सो फैमिलीज, आज मैंने 6 बातें सीखी है अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से जो मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे दिल से शेयर करने वाला हूँ। तो पहली चीज़ जो मैंने आज सीखी है कि हमें किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। दूसरी चीज़ आज मैंने सीखी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना होता है जो चीज़ हमारे कंट्रोल से नहीं है, और हमें आगे बढ़ना होता है। तीसरी चीज़ आज जो मैंने सीखी है वो ये है कि हमें मरते दम तक कभी भी सीखना बंद नहीं करना है। गाइस, अगर कोई पानी रुक जाता है तो उसमें गंध मारने लगता है, लेकिन ज़िंदगी का काम है चलते रहना, बहती हुई नदी के जैसे हमें सीखते रहना है, ग्रो करते रहना है। अगर हम भी रुक गए तो हमसे बदबू आएगी। सो फैमिली, चौथी चीज़ जो आज मैंने सीखी है वो ये है, रिश्तों में बिना प्याज मिर्ची के फीका फीका लगता है, ठीक है? जैसे खाना बिना नमक मिर्ची के अच्छा नहीं लगता, वैसे ही रिश्तों में भी प्याज मिर्ची ना हो तो मज़ा नहीं आता है। पांचवी चीज़ जो मैंने आज सीखी है, ये शरीर नाश्वर है, ये शरीर परमानेंट नहीं है। यहाँ तक कि आप जो भी इस मेटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं उसमें से कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सब इम्परमानेंट है। जैसे कि मैं आज हूँ जिंदा तो कल मैं मरने वाला हूँ, ये कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है। छठवीं चीज़ जो मैंने आज सीखी है, अगर आपने कोई गलती की है तो सबसे ज़रूरी है कोई दूसरा आपको माफ़ करे या ना करे, आप खुद को माफ़ ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप खुद को माफ़ नहीं करते हैं तो आप खुद को कोसते रहेंगे, जो कि बुरी बात है, और वो आपको अंदर ही अंदर कमज़ोर बनाएगी। लेकिन अगर आप खुद को माफ़ करते हैं और आगे बढ़ते हैं तब आप ज़िंदगी का असली मज़ा ले सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो का तीसरा पार्ट भी ज़रूर देख लेना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।